इस सेलिब्रिटी ने सलमान से ले लिया था पंगा। सोशल मीडिया पर 48 घंटे में 1000 बार मिली थी रेप की धमकी। सोना मोहपात्रा न केवल अपनी सुरीली आवाज के जानी जाती हैं, बल्कि वो बॉलीवुड की उन सेलिब्रिटीज में शामिल हैं जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं। इसकी वजह से कई बार उन्हें विवादों का भी सामना करना पड़ा। दरअसल हम सोना मोहपात्रा की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 17 जून को उनका जन्मदिन है। 1976 को ओडिशा के कटक में जन्मी सोना मोहपात्रा पहली बार आमिर खान के शो सत्यमेव जयते से सुर्खियों में आई। उन्होंने सत्यमेव जयते में घर याद आता है, मुझे क्या बेचेगा रुपया से पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने आमिर खान स्टार फिल्म तलाश का जिया लागे ना गाना गाकर तारीफ पाई। ठुकरे का गीत अमरस रिया उनके सबसे पॉपुलर गानों में से एक है। सोना मोहपात्रा ने फिल्म संगीतकार राम संपत से शादी की है। दोनों पति पत्नी म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस ओम ग्रोन म्यूजिक के पार्टनर भी हैं। सोना की आवाज की खनक उन्हें दूसरे सिंगर से अलग करती है, लेकिन उन्हें जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इसकी एक वजह ये भी है कि वो आए दिन विवादों में घिरी रहती हैं। सोना मोहपात्रा उस समय चर्चा में आई थी जब उन्होंने सलमान खान से पंगा ले लिया था। दरअसल सलमान खान ने सुल्तान के प्रमोशन के दौरान कहा था कि फिल्म की शूटिंग वक्त उनकी हालत रेप पीड़िता जैसी हो जाती थी, जिस पर सोना ने सलमान खान की आलोचना करते हुए लिखा था कि मीडिया के सामने किसी को भी गंदा बोलने, गलत व्यवहार करने, गंदे कमेंट्स करने के बावजूद ऐसे लोगों को किसी तरह की सजा नहीं मिलती है। गलतियों से सीख लेने के बजाय उन्हें बढ़ावा दिया जाता है और वो गुडविल एंबेसडर बन जाते हैं। बस फिर क्या था, सलमान के फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर रेप तक की धमकी दी थी। सोना ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर सलमान खान की आलोचना करने के बाद मुझे पिछले 48 घंटों में लगभग 1000 बार से ज्यादा रेप की धमकी मिल चुकी है। मुझे नंगी फोटो भेजी जा रही हैं, जो बताती है कि हमारे समाज में जहर किस कदर घुला हुआ है। यह जहर सिर्फ फैंस, फॉलोअर्स या ऑडियंस द्वारा ही नहीं, बल्कि उनके साथियों और मीडिया द्वारा भी फैलाया जा रहा है।